किसी न किसी। और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है ये पत्र, हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है, उन्होंने कहा है, उन्होंने लिखा है केंद्रीय बजट सकारात्मक है और ये स्वागत के योग्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये प्रेस विज्ञप्ति हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है, प्रतिक्रिया भी दी है कि पिछले दो सालों से देश का विकास कोरोना के कारण प्रभावित रहा है और इन विषम परिस्थिति से निकलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट के माध्यम से देश के विकास के गति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जो कि सराहनीय है। संतुष्टित और संतुलित बजट पेश करने के लिए केंद्र सरकार को बधाई देते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री ने बधाई दिया है नीतीश जी, उनको डर है नीतीश कुमार जी को कि नहीं बधाई देंगे तो मेरा कुर्सी ना छीना जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अपनी बातों को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा, गोद में वो बैठे हुए, उनको डर है कि कहीं सच बोल देंगे तो मेरा कुर्सी ना छीना जाए। मुख्यमंत्री सच बोलने, सच बोलना चाहिए ना नीतीश कुमार को कि आज बेरोजगार हुआ है, आज मीडियम वर्ग सुसाइड करने के लिए मजबूर है, निम्न वर्ग मर रहा है, भूखे मर रहा है, और उनको सच बोलना चाहिए तो सच ना बोल के खाली भाजपा के गोद में बैठे हुए सत्ता में चला जाए, हम मुख्यमंत्री से ना हट जाए ये सोच के और नीतीश कुमार बटली कर रहे हैं। अरे राहुल जी किसके गोद में बैठे हुए भी तो बताइए, एक एक महीना गायब हो जाते हैं पता ही। अरे अरे ना, वो इधर पाकिस्तान तो नहीं जाते ना बिरयानी खाने, एक्शन फोटो नहीं पाता है कि थाईलैंड में है कि इटली में है। अरे भाई राहुल गांधी आम आदमी है, नरेंद्र मोदी की तरह उनके उनके पीछे पीछे 50,000 करोड़। एके जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वागत किया है इस बजट का और हम आपसे शिक्षा को लेकर भी बोल रहे थे, हम चाहेंगे कि दोनों मुद्दों को जरा मिला के अपने हमारे दर्शकों को समझाएं। मैं आपको सिंपली वे में बता देता हूँ जी, क्योंकि मैं बोल क्लियर कर दिया, मैं कोई पार्टी का आदमी ना कुछ का आदमी, मैं शिक्षाविद सबको एनालाइज करता हूँ। सबसे बड़ा बात है हम स्टैटिस्टिशियन भी है, सो जो स्टैटिस्टिक्स बताता है सो देश तो बहुत प्रोग्रेस किया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आप बात हो रहा है लेकिन बेरोजगारी की जो दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, मानते हैं कि नहीं है कि आपको हमको 5 मिनट टाइम दीजिए, हम सभी पॉइंट को कवर कर लूंगा। फर्स्ट बात हो रहा था रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का बदहाल है, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली एयरपोर्ट रनिंग करने वाला है, हम जो 5 साल से देख रहे हैं एयरपोर्ट बहुत इंप्रूव किया। आप 10 साल पहले का एयरपोर्ट देखिए, अभी का देखिए, एयरपोर्ट इंप्रूव किया, रेलवे स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा बात जहाँ शिक्षा क्षेत्र का बात है, पैंडेमिक पीरियड में भी हम लोग देख चुके इंडिया कितना सक्सेसफुली ऑनलाइन मोड में, ये थैंक्स टू द ICT एंड डिजिटल इंडिया मूवमेंट को हमने कितना सक्षम हुए और भी सक्षम हो गए। हमारा 2022 तक ये भी टारगेट 6,60,000 ग्राम पंचायत में ना विलेजेस में भी माने इंटरनेट सेंटर स्थापित हो जाएगा, 2.5 लाख ग्राम पंचायत में इंटरनेट सेंटर स्थापित हो चुका है। डिजिटलाइजेशन से बेरोजगारी कम हो जाएगी? नहीं, बेरोजगारी नहीं होगा।